गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया और राहुल गांधी की मौजूदगी में योजना का आगाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस योजना का सीधा लाभ प्रदेश के 19 लाख किसानों को होगा। एक रिपोर्ट। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश ने किया शुभारंभ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, पीएल पुनिया रहे मौजूद। भूपेश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक हुए शामिल। प्रदेश के किसानों में जो वादा कांग्रेस ने किया था उसे सरकार बनते ही पूरा किया था। सरकार बनने के बाद जो वादा किया उसे भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया। भूपेश बघेल ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसान परिवारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बोनस और अंतर की राशि प्रदान कर दी। खरीफ के सीजन में धान, मक्का, गन्ना की खेती करने वाले किसानों को इसका लाभ हुआ है। एक नज़र इस योजना पर। पूरा नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को समुचित लाभ पहुंचाने वाली योजना। योजना से वर्तमान में 19 लाख किसानों को लाभ। धान, मक्का, गन्ना की खेती करने वाले किसानों को लाभ। योजना से किसानों को बोनस, अंतर शेष की राशि। योजना के तहत कुल 5700 करोड़ की राशि दी जाएगी। पहली किस्त में 1500 करोड़ की राशि किसानों को आवंटित। योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। खेती को प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा। किसानों को उपज का सही दाम मिलेगा। योजना से धान और मक्का उत्पादक 9,53,706 सीमांत कृषक, 5,60,284 लघु कृषक और 3,20,844 बड़े किसान लाभान्वित। गन्ना उत्पाद किसानों को 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान। इससे गन्ना की खेती करने वाले 34,637 किसानों को 73,05,00,000 रुपए 4 किस्तों में मिलेंगे। प्रथम किस्त 18,43,00,000 रुपए की आज आवंटित हुई है। इसी के साथ वर्ष 2018-19 में बोनस की बकाया राशि 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 24,414 किसानों को 10,27,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा सुनिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न राशि का निर्धारण प्रति वर्ष प्रत्यक्ष से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य के धान एवं मक्का उत्पादक किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, गन्ना उत्पादक को 13,000 रुपए प्रति एकड़ खाद्यान्न राशि दी जाएगी। कोरोना संकट के बीच भूपेश सरकार ने इस योजना के जरिए न सिर्फ किसानों को राहत दी है बल्कि खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी या कहें एक नई जिंदगी दी है। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।